हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। सोमवार को इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई, लेकिन इस हाथापाई ने उस वक्त बदसूरत मोड़ ले लिया जब पीपीपी के एक विधायक ने कथित तौर पर पीटीआई की महिला विधायक दुआ भट्टो का दुपट्टा छीन लिया। घटना पाकिस्तान के सिंध राज्य की विधानसभा में हुई। इस घटना पर आपत्ति जताते हुए पीटीआई की नेता राबिया अजफर निजामी ने सिंध विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रेहाना लेघारी से कहा कि पीपीपी के विधायक अपने कृत्य के लिए पीटीआई की विधायक से माफी मांगे। उन्होंने लेघारी से कहा कि इस घटना पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे महिला विधायकों को निराशा हुई है। रेबिया ने डिप्टी स्पीकर से कहा, मान था आपके ऊपर, हमें आपसे मान टूटा है। इस असेंबली के अंदर एक महिला का दुपट्टा खींचा गया, हम आपके पास आए, आज सातवां दिन है, हमने इंतजार किया कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं मांगा था हमने। हमने कहा था कोई कमेटी नहीं चाहिए, कोई जांच नहीं चाहिए। पीपीपी विधायक को बस आप ये बोलते कि वो खड़े होकर विधानसभा में माफी मांगे, लेकिन आपने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, आपने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, मुझे किसी और से गिला नहीं, आप खुद एक औरत हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं उससे मान था हमारा, हमारा मान टूटा है। डिप्टी स्पीकर ने राबिया को समझाने की कोशिश की कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे पास रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद अगर दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप निराश होइएगा, ऐसा मत कहिए, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। डिप्टी स्पीकर की बातों से पीटीआई विधायक जरा भी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जांच हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सभा में उनका मान टूटा है। आपको बता दें कि सोमवार को सिंध की विधानसभा को संबोधित करते हुए दुआ भट्टो, जो विपक्ष के नेता हलीम आदिल शेख की पत्नी भी हैं, उन्होंने पीपीपी सांसदों पर एक दिन पहले उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, मेरा दुपट्टा उतार दिया गया, जो अपनी माँ या बहनों का सम्मान नहीं करते वे ही ऐसा कर सकते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।